छाछठ। द मुरली इज डेटेड 25 जून 66। दो पेज दूसरे पेज के आगे में बात चल रही थी, ये तुम अभी समझते हो, मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पेज द टॉपिक दैट वॉज इन प्रोग्रेस वॉज नाउ यू नो दैट द ह्यूमन बींग्स आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि अभी सत्व प्रधान बनने का समय है। That now is the time to become Sattva Pradhan, that is consisting mainly in the quality of goodness and purity. और बाकी सृष्टि चक्र में कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जब मनुष्य तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन सके। And in the rest of the world cycle, सृष्टि चक्र, there is no other time when human beings could become Sattva Pradhan from Tamo Pradhan, that is the ones who are dominated by darkness or ignorance. और बाप आते भी गुप्त हैं। द फादर कम्स इन डिसगाइज और गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। एंड ही इज ऑल्सो गिविंग यू नॉलेज सीक्रेटली। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि गुप्त ही तो तुम विश्व का राज्य लेते हो। नो वन इन द वर्ल्ड नोज दैट यू सीक्रेटली टेक ओवर द रेन ऑफ द वर्ल्ड। पांडवों के लिए गाय नहीं है, गुप्त वास किया। The very praise for the Pandavas is that they remained incognito. भगवान से गुप्त पढ़ाई पढ़ी। Learned secretly from God. और गुप्त में पुरुषार्थ किए। And made special effort for the soul, पुरुषार्थ secretly. तुम्हारी कोई आवाज नहीं है। You don't have any sound. आवाज नहीं करते हो। You don't make noise. बिल्कुल ही गुप्त रहते हो। You remain completely incognito. पढ़ाई भी कोई लाउड स्पीकर पर नहीं होती है। The teaching is not done on a loudspeaker either. थोड़े थोड़े ग्रुप्स को पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं। He keeps teaching small groups. तो देखो बाप कितना गुप्त है। So see how incognito the father is. कोई जानते नहीं है। Nobody knows him. किसी को पता नहीं है कि ये सब कहाँ जा रही है। नो वन नोज वेयर ऑल दीज पीपल आर गोइंग। ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कर रही हैं? वॉट दीज ब्रह्मा कुमारीज आर डूइंग। कुछ समझते नहीं है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाबा कितना गुप्त है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यू चिल्ड्रेन नो हाउ मच दिस बाबा इज इनकॉग्निटो। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। He secretly makes you children the masters of the world. Na koi ladai hai, na koi barood aage hai. In this effort, there is neither fighting nor use of ammunitions. Koi prakar ka kharcha nahi. There is no expense of any kind. Un bhakti marg ke aadambaron mein to kitna kharcha hota hai. There is so much expense in the pomp and show of the path of devotion. Teerth yatraen karte rehte hain. They keep going on pilgrimages. बड़े बड़े कर्म कांड करते रहते हैं, यज्ञ दान पुण्य आदि करते रहते हैं। They keep on performing grand rituals. They keep on performing sacrifices, donations, charitable deeds, etc. ये दुनिया की ही बात नहीं है। This does not concern only to this outer, that is Laukik world. ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण हैं। इवन इन द ब्राह्मण वर्ल्ड दोज ब्राह्मण्स हु ले द फाउंडेशन फॉर द पाथ ऑफ डिवोशन वो अभी भी कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते रहते। कीप कंडक्टिंग सो मेनी मेगा प्रोग्राम्स इवन नाउ। कितने बड़े बड़े मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। दे अरेंज सच बिग फेयर्स कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। कितना पैसा खर्च होता है। So much money is spent. तुम्हारा तो कोई खर्चा नहीं है। Well, you don't have any expense. यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। Here, just taking over a small village involves so much fighting and killing. तो देखो बाप आकर के गुप्त दान देती। So see, the father comes and gives you a secret donation. अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। He fills your bag with imperishable jewels of knowledge. अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा?
व्हाई डिड ही से इम्पेरिशेबल ज्वेल्स ऑफ नॉलेज? क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो विनाशी है. इट इज बिकॉज वट एवर नॉलेज इज टॉट इन द वर्ल्ड इज पेरिशेबल. अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला है. इट फेचेस ओनली शॉर्ट लिव्ड बेनिफिट्स. चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, वेदर इट इज मेडिकल नॉलेज और द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक जन्म ही काम आता है. इट इज यूजफुल ओनली फॉर वन बर्थ. जन्म जन्मांतर काम नहीं आता है. इट इज नॉट यूजफुल फॉर मेनी बर्थ्स. और ये राजयोग की पढ़ाई जो बाप आकर के पढ़ाते हैं, एंड दिस स्टडी ऑफ राजयोग विच द फादर टीचर्स वेन ही कम्स, वो अनेक जन्म काम आने वाली पढ़ाई है. इज अ स्टडी दैट बिकम्स यूजफुल इन मेनी बर्थ्स. इस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजा बनते हो. यू बिकम अ किंग फॉर मेनी बर्थ्स थ्रू दिस राजयोग. हिस्ट्री में देखा जाए, इफ यू लुक इन टू द हिस्ट्री, कितने छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए. यू विल सी दैट देर वर सो मेनी इनसिग्निफिकेंट एज वेल एज माइटी किंग्स एंड एम्परर्स. इनको राजा ही करना किसने सिखाया, कब सिखाया? हु टॉट देम टू रूल एंड वेन डिड दे टीच देम? ये संगम युग का ही समय है. इट इज इन दिस वेरी कॉन्फ्लुएंस एज दैट इज संगम युग. जबकि बाप आकर के राजयोग से विश्व की राजाई हम बच्चों को देते. वेन द फादर कम्स एंड ग्रांट्स अस चिल्ड्रन द सॉवरेनिटी ऑफ द वर्ल्ड थ्रू राजयोग. दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारा काम गुप्त चलता रहता है. द आउटर वर्ल्ड इज नॉट अवेयर ऑफ दिस. योर वर्क गोज ऑन इन सीक्रेसी. अविनाशी रत्नों से झोली भरते रहते हो. यू कीप फिलिंग योर बैग विथ इम्पेरिशेबल ज्वेल्स ऑफ नॉलेज. तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली है. योर इंटेलेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बैग. ये अविनाशी ज्ञान रत्न जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे अविनाशी बन जाते. These imperishable jewels of knowledge of yours will become, that is, remain imperishable for many births. क्योंकि जो यहाँ जितना ज्ञान धर्म धारण करता है. Because the amount of wealth of knowledge that someone imbibes, that is, earns in practice here, वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाता है. He becomes immensely wealthy, mala mal for many births there. उसकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग हो जाती है. द नॉलेज रिसीव्स सच अ सेटिंग इन हिज इंटेलेक्ट कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर सुखी रहता है. और सुख का आधार होता है धन. दैट ही हु फॉलोज द श्रीमत ऑफ द सुप्रीम सोल रिमेन्स हैप्पी फॉर मेनी बर्थ्स. इन एडिशन वेल्थ इज द बेसिस ऑफ जॉय. जितना आदमी वेल्दी होगा, धनवान होगा, उतना ज्यादा सुख भोगेगा. The wealthier and richer a person, the more happiness he will enjoy. तो भोला भंडारी आते हैं. So the innocent donor, that is भोला भंडारी, comes. भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली. In the path of devotion as well, they say give us alms, give us alms. शिव भोला भंडारी. ओ शिव भोला भंडारी, meaning the innocent donor. तुम जानते हो शिव बाबा, हमारी अविनाशी झोली भर रहे हैं. यू नो दैट शिव बाबा इज फिलिंग अवर बैग्स विद इम्पेरिशेबल ज्वेल्स. तो ये एक एक रतन लाखों का है. सो ईच ऑफ दिस जेम इज वर्थ लैक्स, दैट इज हंड्रेड थाउजेंड्स. तुम कितने रतन लेते हो? यू टेक सो मेनी जेम्स. पर तुम कितना साहूकार बनते हो? देन यू बिकम सो वेल्दी. गायन भी है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार. देर इज ऑल्सो अ सेइंग राम इज द किंग, द सब्जेक्ट एज वेल एज अ वेल्दी पर्सन. जिए नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार. दैट किंगडम प्रॉस्पर्स, ओनली डोनर्स लिव देयर. रिलीजन एंड नॉट इरिलीजियसनेस प्रिवेल्स देयर. ये तुम्हारा गायन है ना? इट इज योर प्रेज, इज इट नॉट? तुम कितना ऊंच बनते हो? यू बिकम सो एलिवेटेड. देवी देवताओं को देखो कितनी भुजाएं दे दी. लुक दे हैव गिवन सो मेनी आर्म्स टू द डीटीज. वास्तव में ये इतनी भुजाएं कोई को होती नहीं है. इन रियलिटी नो वन हैज सो मेनी आर्म्स.
भुजा का अर्थ होता है सहयोगी, मददगार। बाय आर्म इट इज मेंट अ कोऑपरेटिव पर्सन, अ हेल्पर। कहते हैं ना, हमारा भाई मर गया, हमारी दाहिनी भुजा टूट गई। डोंट दे से अवर ब्रदर पास्ड अवे, अवर राइट आर्म ब्रोक। तो चित्रकारों की चित्रकारी है। सो इट इज द आर्ट, चित्रकारी ऑफ द आर्टिस्ट, चित्रकार। उनकी प्रतीकात्मक भाषा होती है। देयर एक्सप्रेशन इज सिम्बॉलिक। अलंकारिक ज्ञान होता है। देयर नॉलेज इज डेकोरेटिव। उस भाषा का स्थूल अर्थ नहीं लगाया जा सकता। दैट लैंग्वेज कैनॉट बी एक्सप्लेन इन अ लिटरल वे। मनुष्य गुरुओं ने स्थूल अर्थ लगाए दिए हैं। कोई विष भुजा का रावण होता होगा। द ह्यूमन गुरुज हैव टेकन इट लिटरली दैट देयर माइट बी अ 20 आर्म्ड रावण। अनेक भुजा वाली देवी होती होगी। देयर माइट बी अ मेनी आर्म्ड देवी, फीमेल डीटी। चार भुजाओं का विष्णु होता होगा। देयर माइट बी अ फोर आर्म्ड विष्णु। लेकिन ये तो सब रूपक है। बट ऑल दीज आर मेटाफर्स, रूपक। इन रूपकों का वही अर्थ बाप आकर के समझाते। द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंग मीनिंग्स ऑफ दीज मेटाफर्स। सतयुग में देवियां आदि इतनी भुजाओं वाली नहीं होती। देयर आरंट एनी फीमेल डीटीज एक्सेट्रा विथ सो मेनी आर्म्स इन द गोल्डन एज। सतयुग हो चाहे त्रेता हो, वेदर इट इज द गोल्डन एज और द सिल्वर एज, वहाँ तो देवी देवताएं भी दो भुजाओं वाले होते। द डीटीज टू आर ओनली टू आर्म्ड वंस देयर। कलयुग में देखो कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए। लुक सो मेनी टाइप्स ऑफ वेपन्स आर शोन इन द आयरन एज। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते ही रहते हैं। दे सर्टेनली कीप मेकिंग बॉम्ब्स फॉर डिस्ट्रक्शन। तलवार निकाली, बाण आदि निकाले। दे प्रिपेयर्ड सोर्ड्स, दे प्रिपेयर्ड एरोज एक्सेट्रा। शास्त्रों में भी तलवार दिखाई दी, बाण दिखाई दिए। दे हैव शोन सोर्ड्स एंड दे हैव शोन एरोज इन द स्क्रिप्चर्स टू। अब ज्ञान में उन्हें स्थूल बाणों की या तलवारों की कोई दरकार नहीं। वेल देर इज नो नीड ऑफ दोज मटेरियल एरोज एंड सोर्ड्स इन द नॉलेज। शास्त्रों में कहते भी हैं ज्ञान को पंत, कृपाण को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की धार के समान है। दे ऑल्सो से इन द स्क्रिप्चर्स द पाथ ऑफ नॉलेज इज इक्वल टू द शार्पनेस ऑफ अ सोर्ड। सीधे सीधे तरीके से अगर कोई चलना जानता है। इफ समवन नोज हाउ टू वर्क ऑन इट इन द प्रॉपर वे, तो विरोधियों के ऊपर ऐसा वार कर सकता है। देन ही कैन मेक सच एन अटैक ओवर हिज ओपोनेंट्स कि विरोधी कोई काम के नहीं रह सकते। दैट द ओपोनेंट्स कैन बी ऑफ नो यूज, उनका विरोध बेकार हो जाता है। देयर ओपोजिशन गोज इन वेन, और हमारी ज्ञान की तलवार काम कर जाती है। एंड अवर सोर्ड ऑफ नॉलेज डज इट्स जॉब। ऐसे में कोई बाहुबल भी दिखाने की दरकार नहीं। इन दिस देर इज नो नीड टू डिस्प्ले एनी फिजिकल स्ट्रेंथ ईदर। राम को बाण दे दिए। राम हैज बीन गिवन एरोज। समझते हो उन्होंने कोई लोहे के बाण चलाए होंगे। दे अज्यूम दैट ही मस्ट हैव शॉट मेटालिक एरोज, विष के भुजे हुए बाण चलाए होंगे। ही मस्ट हैव शॉट पॉइजन्ड एरोज। लेकिन राम को तो भगवान दिखाते हैं। बट राम इज शोन एज गॉड। भगवान हिंसा कैसे करेगा? हाउ विल गॉड इंडल्ज इन वायलेंस? आज के सामान्य साधु संत महात्मा वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते। इवन द ऑर्डिनरी हर्मिट्स, सेंट्स एंड ग्रेट सोल्स ऑफ टुडे डू नॉट टीच टू प्रैक्टिस वायलेंस। तो भगवान को ये हिंसा अपना कैसे दिखाई दिया? देन हाउ डिड दे शो गॉड टू बी वायलेंट? समझते तो है नहीं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। बाप आकर इन बातों का अर्थ बताते। द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। तुम कहते हो ना ज्ञान खड़ग है, ज्ञान तलवार है। डोंट यू से द सोर्ड ऑफ नॉलेज? तो उन्होंने स्थूल अर्थ समझ लिए। सो दे हैव कंसिडर्ड इट टू बी द वेपन्स लिटरली। तुमको तो गुप्त दान मिलता है। यू रिसीव सीक्रेट डोनेशंस। और तुम फिर सबको गुप्त दान देते भी हो। एंड देन यू गिव सीक्रेट डोनेशंस टू द अदर्स एज वेल।
तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। योर स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल पुरुषार्थ इज ऑल्सो हिडन। दान भी गुप्त है। डोनेशंस आर ऑल्सो हिडन। और तुम्हारा भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला मान भी गुप्त है। एंड योर प्रेस्टीज विच बिकम्स अपेरेंट इन द फ्यूचर इज ऑल्सो हिडन। पद भी गुप्त है। योर पोजिशन इज इनकॉग्निटो एज वेल। दान मान पद मर्तबा सब कुछ गुप्त है। डोनेशन ऑनर पोजिशन एंड डिग्निटी आर ऑल हिडन। क्योंकि तुम श्रीमत लेते हो। बिकॉज यू टेक श्रीमत। जो जितना गुप्त कार्य होता है उतना दमदार होता है। एज सीक्रेटली द टास्क इज परफॉर्म्ड दैट मच पावरफुल इट इज। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी गुरुओं ने कहा है। इन फैक्ट इवन इन द पाथ ऑफ डिवोशन द गुरुज हैव सेड योग जुगुत जप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिए दुराऊ। योग स्किल मेडिटेशन चैंटिंग एक्सेट्रा ब्रिंग रिजल्ट्स व्हेन दे आर डन इन सीक्रेट। जितना जितना हम गुप्त रखेंगे उतना उतना वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। इट बिकम्स पावरफुल टू द एक्सटेंट वी कीप इट सीक्रेटिव। यहाँ तो भगवान की श्रीमत है। हियर इट इज द श्रीमत ऑफ गॉड। कृष्ण तो मनुष्य हुआ। कृष्ण इज इंडीड अ ह्यूमन बीइंग। राम भी मनुष्य हुआ। राम इज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। मनुष्य अच्छे कर्म करता है। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग डज गुड डीड्स देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड अ डीटी। मनुष्य बुरे कर्म करता है दुखदायी कर्म करता है। If a human being indulges in bad actions, if he does sorrowful acts, तो राक्षस कहा जाता है। He is called a demon, राक्षस। दुख देने वाले को राक्षस और सुख देने वालों को देवता कहा जाता। Those who bring sorrow to others are called demons, and those who give joy are called deities. तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। Thus, a human being cannot be called God. मनुष्य ऊंचा उठता है तो देवता बन सकता है, नीचे गिरता है तो राक्षस बन सकता है। इफ अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स एलिवेटेड ही कैन बिकम अ डीटी एंड इफ अ ह्यूमन बीइंग बिकम्स डिग्रेडेड ही कैन बिकम अ डेमन। लेकिन मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। बट अ ह्यूमन बीइंग कैनॉट बिकम गॉड। ब्रह्मा को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा इज कॉल्ड अ डीटी एज वेल। सूक्ष्म बतनवासी देवता दिखाते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा इज शोन एज अ डीटी रिसाइडिंग इन द सटल वर्ल्ड। इनको भी भगवान नहीं कहा जाता। ही इज नॉट कॉल्ड गॉड ईदर। लक्ष्मी नारायण आदि को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण एंड सो ऑन कैनॉट बी कॉल्ड गॉड गॉडेस भगवान भगवती ईदर। क्यों? वाई? क्योंकि वो भी सोल है, कला संपूर्ण है। It is because they too are complete in 16 celestial degrees. भगवान को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। God cannot be bound by degrees. वो तो कलातीत है। He is certainly beyond any कला, कलातीत। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में कहती है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। They say in the scriptures, in the path of devotion, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। Meaning the कलातीत stage is benevolent and also brings an end to the kalpa. एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ भूल जाते। On the one hand they say so and on the other hand they forget it. उन देवताओं को कहा जाता है डीटीज्म। Those devatas are called deityism, deities. यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। That means they have firm faith in the ancient deity religion, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लक्ष्मी देवी को नारायण देवता साथ में दिखाए। नारायण देवता इज शोन एकम्पनिंग लक्ष्मी देवी। तो भगवान भगवती टाइटल दे दिया है। सो दे आर गिवन द टाइटल ऑफ भगवान भगवती। क्योंकि स्वर्ग के मालिक हैं। बिकॉज दे आर द मास्टर्स ऑफ हेवन स्वर्ग। स्वर्ग स्थापन करते हैं भगवान। गॉड एस्टैब्लिशेस हेवन। नर को नारायण बनाते हैं भगवान। God transforms man into Narayan. बनाने वाला तो चाहिए ना। You need someone to do this, don't you? इसलिए उनको भगवान कह दिए। That is why he has been called भगवान।
तुम जानते हो हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। यू नो दैट वी हैव कम टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन। हम कोई अल्पकाल की प्राप्ति करने के लिए नहीं आए हैं। वी हैव नॉट कम टू ऑब्टेन एनी ट्रांजिटरी बेनिफिट्स। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान रत्न ले रहे हैं, द स्टडी दैट वी आर स्टडिंग, द जेम्स ऑफ नॉलेज दैट वी आर रिसीविंग, ये अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले नहीं है। आर नॉट द वंस विच बिस्टो ट्रांजिटरी बेनिफिट्स। नारायण बनना अर्थात सारा विश्व का मालिक बनना। बिकमिंग नारायण इम्प्लाइज बिकमिंग द सॉवरेन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सका। नो वन कुड बिकम अ सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड बाय फिजिकल माइट। हिंसक हथियारों की मार से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सका। नो वन कुड बिकम द सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड बाय द यूज ऑफ वायलेंट वेपन्स। हिस्ट्री बताती है हिटलर हुआ हो, नेपोलियन हुआ हो, कोई भी हुआ हो। History tells us that whether it was Hitler, whether it was Napoleon or anyone else, विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सका। They could not rule over the world. आकांक्षा की लेकिन रास्ता गलत अपनाया। They keenly wished so, but adopted the wrong paths. हमारे तो भारत में गायन है, झंडे का कितना गायन है। We have a song in Bharat. The flag is praised so much. विश्व विजय करके दिखलावे पर तब हो बे प्रणपूर्ण हमारा। Our vow will be accomplished when we become victorious over the world and prove ourselves. झंडा ऊंचा रहे हमारा। Let our flag be held high. तो क्या कपड़े का झंडा ऊंचा रहे? So should the flag made of cloth be held high? कपड़ा किसको कहा जाता है? What is meant by cloth? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। The body is called cloth. गीता में श्लोक भी आया है। There is a verse that is श्लोक in the Gita as well. वासांसि जीर्णानि यथा व्याय। ये पुराना शरीर छोड़ करके आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। The soul leaves this old cloth-like body that is शरीर to enter that is wear a new cloth that is body. तो शरीर रूपी वस्त्र है। So it is the cloth-like body. झंडे में जो तीन वस्त्र है वो तीन देवताओं के सूचक। द थ्री क्लॉथ्स ऑफ द भारत नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट द थ्री डीटीज। ब्रह्मा का हरा वस्त्र, द ग्रीन क्लॉथ ऑफ ब्रह्मा, हरित क्रांति लाने का सूचक, इंडिकेट्स द एडवेंट ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन फर्टिलिटी। विष्णु का सफेद वस्त्र, द व्हाइट क्लॉथ ऑफ विष्णु, सात्विकता का सूचक, सिग्निफाइज प्यूरिटी दैट इज सात्विकता। और शंकर का लाल वस्त्र क्रांति का सूचक, एंड द रेड क्लॉथ ऑफ शंकर इज अ सिंबल ऑफ रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। संकल्पों की क्रांति से लेकर के खूनी क्रांति तक, फ्रॉम द रेवोल्यूशन इन द थॉट्स टू अ ब्लडी रेवोल्यूशन, सारे संसार का विनाश एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। कोई भी धर्म पिता पुरानेपन का विनाश नहीं कर सका। No religious father could destroy the oldness. पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने ज्ञान का विनाश नहीं कर सका। They could not destroy the old world, the old traditions, the old knowledge. आकर के अपनी अपनी धारणाओं की स्थापना कर दी। They arrived and established their own inculcations, that is धारणा। जैसे कोई विश्व भरे घड़े में थोड़ा सा दूध डाल ले। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन एड्स अ लिटिल मिल्क टू अ पॉट फुल ऑफ पॉइजन, तो विष का विष ही रहेगा। इट विल जस्ट रिमेन पॉइजन। जब तक घड़ा पूरा साफ नहीं किया जाए, एज लॉन्ग एज द पॉट इज नॉट कम्प्लीटली क्लीन्ड, तब तक वो विष अपना कार्य करता रहेगा। द रेसिडुअल पॉइजन विल कंटिन्यू टू एक्ट। तो ऐसे ही इस संसार में कोई मनुष्य मात्र ने पूरी सफाई नहीं की। इन अ सिमिलर वे नो ह्यूमन बीइंग हैज डन टोटल क्लेंजिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। पूरी दुर्गुणों की सफाई, पूरे भ्रष्टाचारियों की सफाई, टोटल क्लेंजिंग ऑफ द विकेडनेस, टोटल क्लेंजिंग ऑफ द करप्ट वंस। जो गीता में कहा गया है धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्, एज एम्फसाइज्ड इन द गीता।
meaning for the establishment of the righteous religion and the destruction of the wicked ones. दुनिया से पापियों का नाश करने के लिए आता हूँ. I come to destroy the sinful ones from the world. वो कार्य जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सकता, कोई भी देवता नहीं कर सकता. This task which no religious father can do, no deity can do. वो एक देवता के द्वारा कराया जाता है जिसे कहते हैं देवदेव महादेव. Is carried out through one deity who is called Dev Dev Mahadev, the supreme deity. तिरंगे झंडे में वो लाल रंग का वस्त्र सबसे ऊपर दिखाया गया. In the tricolor flag, the red colored cloth is shown at the top. ये तीन देवताओं के सूचक हैं, तीन कपड़े. The three cloths in the flag are indicators of the three deities. कोई कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं करके दिखलावे. The flag made of cloth will not prove itself by gaining victory over the world. ये चैतन्य वस्त्र है. These are the living cloths. जो संगठित होकर के इस सृष्टि में परमात्मा की मत पर कार्य करते हैं. Who gather in this world to act in accordance with the direction of the supreme soul. तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते. And then attain victory over the entire world. वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी देवता बन जाते हैं. They become deities who are complete in all virtues, 16 celestial degrees complete and having divine qualities. 14 कलाएं त्रेता में होती है. In the silver age there are 14 celestial degrees. वहाँ दो कलाएं कम हो जाती है. There are 2 celestial degrees less there. जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है. Just as the light of the full moon is bright. 16 कला संपूर्ण कहा जाता है. It is said to be complete with 16 celestial degrees. फिर कम होते जाती. Then it goes on decreasing. कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक जाकर की बचती. It goes on decreasing and at last only a thin crescent remains. जो चंद्रमा की लीक बचती है. The crescent of the moon which remains. वो शंकर के माथे पर दिखाई जाती. Is shown on the forehead of Shankar. कहते भी है ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य. They also say the moon of knowledge, the sun of knowledge. ज्ञान सितारे. And the stars of knowledge. वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे. Those stars are the non-living stars in the sky. और ये आत्मा रूपी सितारे हैं जो धरती के जड़ सितारे. And these are the star-like souls which are the living stars on the earth. इन जड़ सितारों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान की रोशनी देने वाले. Even among these living stars, there are those that shed the light of knowledge number wise, according to their special effort for the soul, that is Purushartha. जब संसार में विनाश बरपा होगा. When there is destruction in the world, तो ईश्वरीय ज्ञान की संपत्ति वाले ये सितारे संसार में चमकेंगे. Then these stars blessed with the wealth of godly knowledge will shine in the world. कहते भी हैं 9 लाख सितारे. It is also said the 9 lakh stars. दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है. The global population is 500 to 700 crores, that is 5 to 7 billion. उनमें 9 लाख ही आत्माएं सारे विश्व में ज्ञान की चमक मारने वाली बनेंगी. Out of them, these 9 lakh souls will become the ones who illumine the whole world with the shine of knowledge. उनको 9 लाख हार भी कहा जाता है. They are also known as the necklace of 9 lakh gems, Navlakha Har. भगवान भगवती के गले का हार बनते हैं. They become the necklace around the necks of Bhagwan Bhagwati. उन आत्माओं के द्वारा सारे संसार में तहलका मचाया जाता है. Through those souls, uproar is created in the whole world. जरूर 16 कला संपूर्ण बनती है. They surely become complete in 16 celestial degrees. इतने गुण इतने ज्ञान रत्न धारण करती है, इतनी भगवान से शक्तियां धारण करती है. They acquire so many divine qualities, assimilate so many gems of knowledge and imbibe so many powers from God. जो सारे विश्व को संगठन संगठन के सूत्र में बांध लेती है. So that they bind the whole world in the string of the gathering. अलग अलग धर्मों का जखीरा खलास हो जाता है. The different groups of the different religions come to an end.
न हिंदू रहता है, इस्लाम रहता है, न बौद्ध रहता है, न क्रिश्चियन रहता है. Neither Hindu religion exists nor does Islam exist. Neither Buddhism exists nor does Christianity exist. सब धर्म खलास हो जाते हैं, एक सत धर्म की स्थापना हो जाती है. All the religions come to an end. One true religion is established. कब होती है? When does it happen? जब ये तीन देवताएं संगठित हो जाते हैं. It happens when these three deities come together. नाम कहा जाता है ब्रह्मा. The name of Brahma is uttered. Brahma ne badi, ma mane ma. Brahm means senior, ma means mother. Sansar ki bade te badi ma. She is the most senior mother in the world. Jarur bade te bada kari karti hai. Surely she performs the biggest task. Kya kari karti hai? What task does she do? Ma ke andar vishesh gun kya hota hai? What is the special quality of a mother? Sahan shakti. The power of tolerance, sahan shakti. Maa jaisi sahan shakti aur koi dharan nahi kar sakta. No one else can imbibe the power of tolerance like a mother. To wo baap, seva supreme soul, pehle aakar ke bachcho ke samne Brahma arthat badi maa ke roop mein pratyaksh hota hai. The father, Shiv supreme soul, comes and reveals himself to the children first of all in the form of Brahma, that is the senior mother. Pyar bhara paath bajata hai, sahanubhuti ka paath bajata hai. He plays a loving role. He plays a sympathetic role. Mamta mayi ka paath bajata hai. He plays the role of attachment, mamta mayi. Aisi sahan shakti ka udaharan duniya mein koi manushya ne nahi diya. No human being in the world has presented himself as an example of such power of tolerance. Koi bhi Brahma Kumar Kumari se poocho, purana ho, naya ho. Ask any Brahma Kumar Kumari, either a senior one or a new one. Jisne Brahma ko dekha ho. Who had seen Brahma. To wo yahi kahega ki bhale hum 10 minute ke liye Baba se mile. He would invariably say this. Even if I met Baba for 10 minutes, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमको जितना प्यार दिया, उतना दुनिया में हमें किसी से अनुभव नहीं हुआ. I had never experienced so much love from anyone else in this world as from Brahma Baba himself. तो ईश्वर का वो माँ का रूप है. That is the maternal form of God, ईश्वर. जिसे संसार में कहते हैं त्वमेव माता. For whom they say in this world, त्वमेव माता. You yourself are the mother. वो माँ बन करके आता है. He comes as the mother. शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं. In the scriptures, names are given according to the task performed. ये ब्रह्मा भी काम के आधार पर नाम पड़ा है. This name Brahma was also given according to the task performed. ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाती है. The Brahmin religion is established through Brahma. नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं. Brahmins who observe celibacy, that is brahmacharya, get ready number wise according to their special effort for the soul. पर शंकर द्वारा आसुरी तत्वों का विनाश होता है. Then the devilish traits, आसुरी तत्व, are destroyed through शंकर. शास्त्रों में भी दो प्रकार के ब्राह्मण दिखाए गए हैं. Two types of Brahmins are shown in the scriptures as well. Ravan Kumbhakarna Meghanad jaise asuri brahman bhi hai. Devilish Brahmins like Ravan, Kumbhakarna and Meghanad exist. Aur Guru Vasishtha aur Vishwamitra jaise shreshtha brahman bhi. As well as elevated Brahmins like Guru Vasishtha and Vishwamitra exist. Shreshtha brahmanon ki jansankhya ungliyon par gine jane yogi hoti. The population of the elevated Brahmins can be counted on fingers. जैसे पांडवों को पांच पांडव कहा जाता है. Just as Pandavas are called the five Pandavas. पांडव कहो, पंडा पुत्र कहो. Whether you call them Pandav, the children of Panda. ब्रह्मा पुत्र कहो, the children of Brahma. ब्राह्मण कहो, बात एक ही. Or Brahmin, it is one and the same. वो ही ब्राह्मण जो ब्रह्मा की मुखवंशावली बनते हैं. Precisely those Brahmins who become the mouth born progeny, mukhavanshavali of Brahma. वो परमात्मा के कार्य को
सफल बनाने में बहुत सहयोगी बन जाते। बिकम ग्रेट हेल्पर्स सहयोगी इन फुलफिलिंग द टास्क ऑफ द सुप्रीम सोल। लेकिन जब भगवान आते हैं, हाउएवर व्हेन गॉड अराइव्स, तो माया भी जबरदस्त अपोजिशन करती है। माया ऑल्सो गिव्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, क्योंकि पूर्व जन्मों का, अनेक जन्मों का माया का परछाया उन आत्माओं के ऊपर रहता है। बिकॉज द सोल्स रिमेन ओवर शेडोड बाय माया फ्रॉम देयर मेनी प्रिसीडिंग बर्थ्स। तो वो माया पुरुषार्थ करने वाले बच्चों से अपना हिसाब किताब लेने के लिए बीच बीच में आने रहती, आती रहती। सो माया कीप्स कन्फ्रंटिंग द चिल्ड्रेन अगेन एंड अगेन हु आर मेकिंग स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल इन ऑर्डर टू सेटल अकाउंट्स विद देम। भले भगवान की श्रीमत के नीचे पलते हैं, ऑल्दो दे सस्टेन अंडर गॉड्स श्रीमत, लेकिन माया उनकी बुद्धि को बरगलाती रहती। माया कीप्स मिसलीडिंग देयर इंटेलेक्ट। माया कोई दूसरी चीज नहीं है। माया इज नॉट अ सेपरेट थिंग। मनुष्य आत्माओं की, पिछले जन्मों की, अनेक जन्मों की अपनी ही कमजोरी है। इट इज द वीकनेस ऑफ द ह्यूमन सोल्स देमसेल्व्स एक्सटेंडिंग ओवर सेवरल प्रीवियस बर्थ्स। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। इट इज द वीकनेस ऑफ लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट एंड ईगो। जो द्वैतवादी युग, द्वापर युग से शुरू होती। विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ डुअलिज्म, द कॉपर एज। द्वैतवादी युग इसलिए कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द एज ऑफ डुअलिज्म बिकॉज कि द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह 2500 वर्ष के अंदर जो दूसरे धर्म पिताएं आए, उन्होंने द्वैत मत फैला दी। द डिफरेंट रिलीजियस फादर्स लाइक एब्राहम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक एंड सो ऑन, हु अराइव्ड विद इन द 2500 ईयर्स फ्रॉम द कॉपर एज ऑनवर्ड्स स्प्रेड डुअलिज्म। एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत थी सतयुग त्रेता में, तो रामकृष्ण का राज्य था। वेन द हाइएस्ट डायरेक्शन ऑफ द वन सुप्रीम सोल वॉज देयर, देयर वॉज द रूल ऑफ राम एंड कृष्ण। देवताएं बहुत सुखी थी। द डीटीज वर वेरी हैप्पी। देवभूमि भारत था। भारत वॉज द डिवाइन लैंड। वो ही भारत से दूसरे दूसरे धर्म खंड प्रत्यक्ष होते हैं। अदर रिलीजियस लैंड्स अपियर फ्रॉम दैट वेरी भारत। और पृथ्वी का आकार प्रकार बढ़ता चला जाता है। एंड द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ दैट इज लैंड हियर, पृथ्वी, इंक्रीजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे जैसे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती है, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स, वैसे वैसे संसार में मत मतांतर बढ़ने के कारण त्राहि त्राहि बढ़ती चली जाती है। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज एन इंक्रीज इन द क्राई फॉर मर्सी। दुख बढ़ते चले जाते हैं, सुख क्षीण होता जाता है। सोरो मल्टीप्लाइज व्हाइल जॉय ग्रेजुअली फेड्स आउट। और कलयुग के अंत में आकर अभी कोई मनुष्य मात्र है। In addition, at the end of the Iron Age, Kaliyug, any human being, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और संबंधियों से अपने को सुखी महसूस नहीं करता। Doesn't find himself happy with respect to his body, mind, wealth, time, personal contacts and relatives. परमात्मा बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। The Supreme Soul Father comes and teaches the children. कि बच्चे, अब तुमको माया से युद्ध करना है। Children, now you have to fight with माया। माना अपनी कमजोरियों से युद्ध करना है। Meaning, you have to fight with your weaknesses. ये युद्ध कोई स्थूल युद्ध नहीं है। This war is not a physical war. ये तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का युद्ध है। This is a war against lust, anger, greed, attachment and ego. मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी बोला हुआ है। It is also said in the Gita, written by human beings. कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। Meaning, lust and anger emerge from the quality of passion, rajogun. हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु है। Hey Arjun, these lust and anger are your greatest enemies. Jayenam papmanam. Ina papiyon ko tu jeet le. Gain victory over these sinners. To
तो इससे भी साबित हो जाता है कि भगवान ने कोई स्थूल युद्ध नहीं कराया था। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट गॉड डिड नॉट प्रोवोक एनी मटेरियल वॉर। खून खराबा नहीं कराया था। ही डिड नॉट प्रोवोक एनी ब्लड शेड। उन्होंने तो ज्ञान का युद्ध कराया। ही इंडीड प्रोवोक्ड द वॉर ऑफ नॉलेज। मनुष्य के अपने अंदर जो कुप्रवृत्तियां भरी हुई हैं, द रॉन्ग टेंडेंसीज दैट आर फिल्ड विद इन द ह्यूमन बींग्स, दुर्गुण भरे हुए हैं, आसक्तियां भरी हुई हैं, द बैड क्वालिटीज दैट आर फिल्ड विद इन, द वीकनेसेस दैट आर फिल्ड विद इन, उनसे युद्ध करना सिखाया था। ही हैड टॉट टू वेज वॉर अगेंस्ट दोज। तो ये युद्ध करने का समय अभी चल रहा है। एट प्रेजेंट इट इज द टाइम टू फाइट सच अ वॉर। दुनिया में भी, हिस्ट्री में ये देखा गया है, इन द वर्ल्ड आउटसाइड एज वेल दैट इज इन हिस्ट्री इट हैज बीन सीन दैट, कि बिना युद्ध के राजाई प्राप्त नहीं होती। सॉवरिनिटी इज नॉट अचीव्ड विदाउट वेजिंग अ वॉर। बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, युद्ध में प्रवीण थे। देयर वर ग्रेट किंग्स, दे वर स्किल्ड इन वॉर। वो तो स्थूल युद्ध करते थे। दे यूज्ड टू फाइट फिजिकल वॉर्स, इसलिए उनकी असीम राजाई नहीं बन पाई। दैट इज वाई दे कुड नॉट एक्वायर अनलिमिटेड सॉवरिनिटी। अभी परमात्मा बाप आकर के हमको असीम राजाई देते हैं। नाउ द सुप्रीम सोल फादर कम्स एंड ग्रांट्स अस अनलिमिटेड सॉवरिनिटी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर देते हैं। ही गिव्स अस कंट्रोलिंग पावर ओवर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये राजाई प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान का युद्ध जरूरी है। सो वेजिंग दिस वॉर ऑफ नॉलेज इज नेसेसरी टू ऑब्टेन दिस सॉवरिनिटी। ज्ञान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, आत्मा में ऐसी मन बुद्धि की सेटिंग हो जानी चाहिए। सच एन आइडियल सेटिंग ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट शुड बी क्रिएटेड इन द सोल, कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, उनका अगर हम सामना करें तो हम हरासमेंट में ना आए। That we should not feel harassed when we confront any kind of situation or any type of individual. वो हमें दुख देने की कोशिश करें। They may try to inflict sorrow upon us. हमको नष्ट करने की कोशिश करें। They may try to destroy us. फिर भी हम अपने मन के अंदर ऐसा भाव पैदा करके रखें। Even so, we should create such a feeling in our mind. कि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दैट दे कैनॉट डू एनी हार्म टू अस। माना मनोबल पैदा करना, ये ईश्वरीय ज्ञान का काम है। दैट मीन्स डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज द वर्क ऑफ गॉडली नॉलेज, जिसे कहते हैं विल पावर। दिस इज कॉल्ड विल पावर। ये विल पावर हमको विल करने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। द सुप्रीम सोल हैज अराइव्ड टू मेक अ विल ऑफ दिस विल पावर टू अस। लेकिन पुरुषार्थ करते करते आत्मा माया से हार जाती। बट वाइल मेकिंग स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल इज डिफीटेड बाय माया। जब हार जाती है, व्हेन इट फेसेस डिफीट, तो पूरा ज्ञान जिस रीति से ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण कर पाती। इट इज नॉट एबल टू ग्रेस्प द एंटायर नॉलेज इन द वे इट हैज टू बी डन। ज्ञान के भी दो स्तर हैं, ईश्वरीय ज्ञान के। There are two levels of the knowledge, the godly knowledge too. जैसे लौकिक दुनिया में एक बेसिक नॉलेज कही जाती है। Just as in the outside world, one is known as the basic knowledge. और एक हायर ज्ञान कहा जाता है। And the other is known as the higher knowledge. BA में वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। In BA, that is Bachelor of Arts, and MA, that is Master of Arts, the same lessons are taught. तो सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास के दोहे कवित्व पढ़ाए जाते हैं। द कपलेट्स दैट इज दोहे एंड द पोएम्स ऑफ सूरदास, रहीमदास एंड तुलसीदास आर टॉट। और वही कविताएं बेसिक नॉलेज में पढ़ाई जाती है। एंड द सेम पोएम्स आर टॉट इन द प्राइमरी क्लासेस। बेसिक नॉलेज में सिर्फ रटना सिखाया जाता है। इन द प्राइमरी क्लासेस दे दैट इज द चिल्ड्रन आर ओनली टॉट टू लर्न देम बाय हार्ट। और जब एडवांस स्टूडेंट बन जाते हैं, एंड वेन दे बिकम एडवांस्ड स्टूडेंट्स, तो BA MA में उनका गुहिया अर्थ समझ जाते। देन इन BA एंड MA दे अंडरस्टैंड देयर हिडन मीनिंग्स।
ऐसे ही भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, सिमिलरली व्हेन गॉड कम्स एंड टीचेस, वो पहले ऊपर ऊपर है, बेसिक रूप में समझाते, ही इनिशियली टीचेस एट अ बेसिक लेवल दैट इज सुपरफिशियली। बेसिक नॉलेज को जो बच्चा बुद्धि आत्माएं है वो रट लेती है। बेसिक नॉलेज इज लर्न बाय हार्ट बाय द सोल्स हु हैव एन इंटेलेक्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चा बुद्धि, लेकिन उसकी गुह्यता को धारण नहीं कर पाती। बट दे आर नॉट एबल टू इनकलकेट द डेप्थ ऑफ इट। यही ब्रह्मा के बच्चों का हाल होता है। ब्रह्मास चिल्ड्रेन ऑल्सो फाइंड देमसेल्व्स इन द सेम सिचुएशन। ब्रह्मा के जो बच्चे हैं, उनमें जो कुहवंशावली ब्राह्मण है, Amongst the children of Brahma, those who are the lab-born progeny Brahmins, वो ज्ञान के मर्म को न जानने के कारण ब्रह्मा की कोख को ही याद करते रहते। Due to not understanding the depth of the knowledge, they keep remembering just the lap of Brahma. ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद। Brahma's कोख, that is womb, means गोद, that is lap. उन्हें गोद का प्यार मिला है तो वो देह में फंस जाते। दे हैव रिसीव्ड द लव ऑफ द लैप, सो दे बिकम अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता, इस तन के द्वारा सुप्रीम सोल आकर के ज्ञान सुनाता है। इट डज नॉट फिट इन देयर इंटेलेक्ट दैट द सुप्रीम सोल कम्स एंड नरेट्स द नॉलेज थ्रू दिस बॉडी। वो सुप्रीम सोल आकर के जो ज्ञान सुनाता है, उसे ज्ञान को विशेष महत्व देना चाहिए। स्पेशल इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द नॉलेज नरेटेड बाय द सुप्रीम सोल व्हेन ही कम्स। देहधारी को महत्व नहीं देना चाहिए। इम्पोर्टेंस शुड नॉट बी गिवन टू द बॉडीली बीइंग। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला था, इसे ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। Therefore, Baba had said in the Murli that the picture of this Brahma should not be kept. अगर इस ब्रह्मा का चित्र रखेंगे, If you keep the picture of this Brahma, तो पतित बन जाएंगे। You will become degraded, that is patit. बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। Your intellect will become corrupted. क्यों कहा? Why did he say so? इसलिए कहा। He said so because कि ब्रह्मा वाली सोल अर्थात कृष्ण की सोल बच्चा बुद्धि आत्मा। द सोल ऑफ ब्रह्मा मीनिंग द सोल ऑफ कृष्णा इज द वन विद एन इंटेलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। जो बच्चा है वो बेसिक नॉलेज को समझ सकता है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड बेसिक नॉलेज, लेकिन एडवांस ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझ सकता। बट ही कैनॉट अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग्स ऑफ द एडवांस नॉलेज। कृष्ण की सोल के द्वारा अर्थात दाता लेखराज के द्वारा सुप्रीम सोल बाप ने आकर के जो ज्ञान सुनाया, द नॉलेज दैट द सुप्रीम सोल फादर नरेटेड व्हेन ही केम थ्रू द सोल ऑफ कृष्ण दैट इज थ्रू दादा लेखराज, वो बेसिक नॉलेज के बतौर सुनाया, वॉज बेस्ड ऑन बेसिक नॉलेज। उसका गुह्यार्थ नहीं बताया। ही डिडंट एक्सप्लेन इट्स डीपर मीनिंग। बाप आते हैं, व्हेन द फादर कम्स, तो बेसिक नॉलेज सुनाने के बाद टीचर के रूप में उसका गुह्यार्थ भी सुनाते। आफ्टर डिलीवरिंग द बेसिक नॉलेज ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स इट्स हिडन मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे होते हैं, जस्ट एज इन द आउटर दैट इज लौकिक वर्ल्ड देर आर चिल्ड्रेन, बेसिक नॉलेज की पढ़ाई माँ पढ़ाई लेती है। बेसिक नॉलेज इज टॉट टू देम बाय द मदर। घर में बैठ के भी माँ पढ़ाई लेती है। द मदर टीचेज इट इवन वाइल सिटिंग एट होम। लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल की या बीए एमए की पढ़ाई पढ़ाने के लिए माँ सक्षम नहीं होती। बट द मदर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टीच द स्टडीज इन्वॉल्विंग हायर सेकेंडरी स्कूल और बीए एमए। तो परमात्मा बाप टीचर बनकर के भी आता है। देयरफॉर द सुप्रीम सोल फादर कम्स ऑल्सो एज अ टीचर। वो बाप भी है, ही इज द फादर एज वेल। वो स्वयं एक ही रूप में टीचर भी है। थ्रू द सेम फॉर्म ही इज हिमसेल्फ अ टीचर, और एक ही रूप में सदगुरु भी बन के आता है। एज वेल एज ही कम्स एज द सदगुरु। वो बाप टीचर सदगुरु का रूप, द फॉर्म ऑफ द फादर टीचर एंड सदगुरु। झंडे का जो तीसरा कपड़ा है सबसे ऊपर वाला, वो शंकर का रूप है।
The third cloth of the flag, the topmost cloth, is the form of Shankar. उस रूप में वो टीचर भी बनता है, सदगुरु भी बनता है. He becomes the teacher as well as the Sadguru in that form. और बाप बनकर के सारे विश्व को वर्षा देने के निमित्त भी बनता है. And he also becomes the instrument in granting inheritance to the entire world as a father. तो शंकर के मस्तक पर जो लीक के रूप में चंद्रमा दिखाया जाता है, the moon that is shown as a crescent on the forehead of Shankar, वो चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है, is a memorial of the moon of knowledge Brahma. वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, that moon of knowledge ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, माया से युद्ध करते करते क्षीण अवस्था में पहुंच जाता है, reaches its diminished that is crescent stage while waging war with Maya. और वो छीने हुई लीक शंकर के मस्तक पर दिखाई जाती, एंड दैट डिमिनिश्ड क्रिसेंट इज शोन ऑन द फोरहेड ऑफ शंकर. इसलिए मस्तक में आता है, व्हाई डज ही कम ऑन द फोरहेड, उसके मस्तक में प्रवेश करता है पढ़ाई पढ़ने के लिए, ही एंटर्स हिज फोरहेड इन ऑर्डर टू लर्न. शंकर को त्रिनेत्री कहा जाता है, शंकर इज कॉल्ड त्रिनेत्री द वन विद द थर्ड आई. तीसरे नेत्र को शिवनेत्र कहा जाता है, द थर्ड आई इज कॉल्ड शिव नेत्र द आई ऑफ शिव. इसका मतलब हुआ कि वो त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है. दिस इम्प्लाइज दैट द त्रिमूर्ति शिव एंटर्स ब्रह्मा एज वेल, और ब्रह्मा में प्रवेश करके माँ के रूप में संसार में पहले प्रत्यक्ष होता है, एंड आफ्टर एंटरिंग ब्रह्मा रिवील्स हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ द मदर, और बाद में त्रिनेत्री शंकर में सदा शिव के रूप में सदा शिव नेत्र के रूप में प्रत्यक्ष होता है, एंड लेटर ऑन थ्रू त्रिनेत्री शंकर ही रिवील्स हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सदाशिव इन द फॉर्म ऑफ शिव नेत्र. शिव नेत्र के रूप में आकर के ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ द शिव नेत्र, वो पहली पहली पढ़ाई पढ़ाता है उस बच्चे को जिसे कृष्ण बच्चा कहा जाता है, एंड टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू द चाइल्ड हु इज नोन एज चाइल्ड कृष्णा. कृष्ण बच्चा बच्चा है, बच्चा बुद्धि है. द चाइल्ड कृष्णा इज अ चाइल्ड, ही हैज द इंटेलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, अधूरी नॉलेज वाला है, ही हैज एन इनकम्प्लीट नॉलेज. बच्चे से कोई पढ़ाई पढ़ेगा तो अधूरी पढ़ाई पढ़ेगा. Whoever learns from a child will learn incomplete knowledge. बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है. The father is a father and the child is a child. कृष्ण को गीता का भगवान बनाए दिया. Krishna was made the god of the Gita. तो अनर्थ हो गया. That was a disaster. अनर्थ. अरे गीता का भगवान तो गीतापति भगवान होगा ना. अरे the god of the Gita will be the husband of Gita. गीतापति भगवान. Won't he? बच्चा कैसे गीता का भगवान बनेगा? How could a child be the god of the Gita? गीता को तो सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है. गीता इज रिगार्डेड एज द क्राउन ज्वेल शिरोमणि अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स. सर्वशास्त्रों का माई बाप कहा जाता है. इट इज रिगार्डेड एज द मदर एंड फादर ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स. जो सर्वशास्त्रों की शिरोमणि गीता है उसके ऊपर आधिपत्य बच्चे का नहीं हो सकता. A child cannot have control over the crown jewel among all the scriptures, the Gita. ये बहुत बारी भूल हो गई. It is a great mistake. जो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया. To mention the name of Krishna as the Lord in the Gita. जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इस मर्म को जान लिया था. The Western scholars also knew this secret. कीत है, कीरु आदि विद्वानों ने. Scholars like Keith and Kiro, ये बात अपनी थीसिस में साबित की है. Have proved this point in their thesis. कि ये गीता निराकार ईश्वरवादी ग्रंथ था. That the Gita was a book supporting the existence of an incorporeal God, निराकार ईश्वरवादी ग्रंथ. और बाद में इसमें कृष्ण के जो फॉलोअर्स हैं. And later on. The followers of Krishna, उन्होंने इनको साकार रूप में ढालने के लिए कृष्ण का नाम डाल दिया. Put Krishna's name to make it a corporeal version. तो साकारी स्टेज वाला तो कृष्ण है.
कृष्ण इज इंडीड इन द कॉर्पोरियल स्टेज. निराकारी स्टेज वाला बीज होता है. द सीड इज द वन इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज. जैसे कि चित्रों में बाबा ने दिखाया, जस्ट लाइक बाबा हैज शोन इन द पिक्चर्स, कि झाड़ के चित्र में बीज है राम बाप. दैट इन द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड ट्री झाड़, द सीड इज द फादर राम. जो नीचे भी है और ऊपर भी है. हु इज शोन एट द बॉटम एंड ऑल्सो एट द टॉप. जब आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करेंगी विनाश के पीरियड में. When the souls assume the seed form stage during the period of destruction, तो सारी बीज रूप आत्माएं उस बीज रूप बाप के साथ परम धाम वापस जावेंगे. Then all the seed form souls will return to the supreme abode, परम धाम, with the seed form father. तो झाड़ के चित्र में वो भी दिखाया हुआ है ऊपर. This has also been shown at the top in the picture of the world tree. वो बीज बाप है. He is the seed. द फादर. और षष्ठ रूपी रंगमंच पर उस बीज बाप से पहला बच्चा जो पैदा होता है वो कृष्ण बच्चा. एंड द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न थ्रू दैट सीड फॉर्म फादर ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड इज द चाइल्ड कृष्ण, जो 16 कला संपूर्ण बनता है. हु बिकम्स कम्प्लीट इन 16 सेलेस्टियल डिग्रीज. सर्वगुण संपन्न बनता है 16. ही बिकम्स कम्प्लीटली वर्चुअस. 16 कलाओं से संपन्न एक सेकंड में बनता है. ही बिकम्स कम्प्लीट इन 16 सेलेस्टियल डिग्रीज इन 1 सेकंड. इसकी पढ़ाई पूरी होने की बात है. बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कम्प्लीशन ऑफ हिज स्टडी. जैसे कि पूरी जब घी में डाली जाती है. जस्ट एज व्हेन द पूरी अ स्मॉल राउंड केक ऑफ अनलीवेंड व्हीट फ्लावर डीप फ्राइड इन घी और ऑयल इज पुट इन टू घी. तो जब तक कच्ची है तब तक नीचे रहती है. It remains at the bottom as long as it is uncooked. पक जाती है, उसका निश्चित टाइम है. But when it is cooked, there is a fixed time for that. उस टाइम में, in that time, वो अग्नि को प्राप्त करती है. It acquires the heat of the fire. और अग्नि की तपत से ऊपर आ जाती है. And it rises up due to the heat of the fire. ऐसे ही आत्मा को संपन्न बनने में निश्चित टाइम लगता है. सिमिलरली अ सोल नीड्स अ फिक्स्ड टाइम टू बिकम अकम्प्लिश्ड. तीव्र पुरुषार्थ की तपत चाहिए. द फर्वर ऑफ इंटेंस पुरुषार्थ इज नीडेड. वो तीव्र पुरुषार्थ है अव्यभिचारी याद. दैट इंटेंस पुरुषार्थ इज अनअडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस. और एक की याद. एंड द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन. और एक में भी. Moreover, even in that one personality, जो सर्वोपरि पाठधारी है, ऊंचे ऊंचे हीरो पाठधारी है, उस एक की याद. It should be the remembrance of the one who is the supreme actor, the highest on high hero actor. अगर कोई दूसरे की याद मिक्स होती है. If another's remembrance becomes mixed, तो उसे योगाग्नि पक्की नहीं कहेंगे. Then the fire of yoga won't be said to be strong. जैसे सोना होता है तीव्र आग में डाला जाता है तो वो पिघल जाता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड मेल्ट्स व्हेन इट इज पुट इन इंटेंस हीट. ऐसे ही सिमिलरली ये विकारों की खाद जो आत्मा में पड़ी हुई है. द कंटेमिनेशन दैट इज खाद ऑफ द वाइसेस दैट हैज एम्बेडेड इन द सोल. ये विकारों की खाद निकालने के लिए. In order to remove this contamination of vices, आत्मा को अव्यभिचारी ऊंचे से ऊंचे भगवान की याद में रमण कराना पड़े. The soul will have to be engrossed in unadulterated remembrance of the highest on high God. ये प्रैक्टिस जब तक हमारी पक्की नहीं होगी. Until this practice of ours becomes perfect, तब तक आत्मा में से वो अनेक जन्मों की खाद कहो. The contamination of several births in the soul, पाप कर्म कहो वो भस्म नहीं होगी. और कॉल इट द सिंफुल डीड्स दे विल नॉट बर्न टू एशेस. अभी प्रैक्टिस जारी है. नाउ दिस प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन. कृष्ण की आत्मा और फिर ब्रह्मा की सोल. द सोल ऑफ कृष्ण एलियास द सोल ऑफ ब्रह्मा. वो भी शंकर के मस्तक में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है. इज ऑल्सो स्टडिंग बाय एंटरिंग द फोरहेड ऑफ शंकर.
चंद्रमा के रूप में लीक जाकर के रही. इट रिमेन्स एज अ क्रिसेंट ऑफ मून. ये शूटिंग का पीरियड चल रहा है. द शूटिंग पीरियड इज गोइंग ऑन. रिहर्सल का टाइम चल रहा है. द टाइम ऑफ रिहर्सल ऑफ वर्ल्ड ड्रामा इज इन प्रोग्रेस. चार युगों का ड्रामा है. इट इज अ ड्रामा ऑफ फोर एजेस. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. द गोल्डन एज, द सिल्वर एज, द कॉपर एज एंड द आयरन एज. चार युगों का ड्रामा जब रिकॉर्डिंग में आता है. When the recording of the drama consisting of the four ages goes on. जब इसकी रिहर्सल होती है. When its rehearsal goes on. तो डायरेक्टर बाप हम बच्चों को फील्ड में पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष करता है. The director father reveals us children as actors in the field. नंबर बार पार्टधारी प्रत्यक्ष होते हैं. The number wise actors are revealed. पुरुष माने आत्मा. आत्माओं में जो उत्तम उत्तम पाठधारी है वो संसार में प्रत्यक्ष होते. पुरुष मीन्स सोल. द बेस्ट एक्टर्स अमंग द सोल्स आर रिवील्ड इन द वर्ल्ड. इसलिए इस युग का नाम रखता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग. दैट इज वाई दिस एज इज कॉल्ड द एलिवेटेड बेनेवोलेंट कॉन्फ्लुएंस एज. पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग. पुरुषों में उत्तम से उत्तम पाठधारी कौन कौन है. हु आर द बेस्ट एक्टर्स अमंग द सोल्स. उनकी यादगार है माला. द रोजरी दैट इज माला इज देयर रिमाइंडर. अनेक प्रकार की मालाएं हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रोजरीज. हर धर्म में मालाओं का स्मरण किया जाता है. द माला इज चैंटेड इन एवरी रिलीजन. हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो. वेदर दे आर हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस. बौद्धी हो, यहूदी हो. द बुद्धिस्ट्स और द ज्यूज. हर धर्म के लोग नास्तिक धर्म वालों को छोड़कर. पीपल ऑफ एवरी रिलीजन चैंट द रोजरी एक्सेप्ट द एथिस्ट्स नास्तिक. क्योंकि वो तो माला में पद प्राप्त करते ही नहीं. बिकॉज दे डू नॉट फाइंड अ पोजिशन इन द माला एट ऑल. भगवान को मानते ही नहीं. दे डू नॉट बिलीव इन गॉड एट ऑल. आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं. स्वर्ग नरक को मानते ही नहीं. दे डू नॉट बिलीव इन द सोल एंड द सुप्रीम सोल. दे डू नॉट बिलीव इन हेवन दैट इज स्वर्ग और हेल दैट इज नरक एट ऑल. माला में कैसे आवेंगे. सो हाउ विल दे कम इन द रोजरी. बाकी हर धर्म के लोग माला का स्मरण करते. द पीपल ऑफ ऑल द अदर रिलीजन्स काउंट द बीड्स ऑफ द रोजरी. स्मरण करते हैं माला के मणकों को. दे काउंट द बीड्स ऑफ द रोजरी. क्या राज है. वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस. कि भगवान बाप जब आते हैं. वेन गॉड द फादर कम्स. तो माला के पद संसार में डिक्लेयर कराते हैं. He enables the position of the beads in the mala to be declared to the world. वो मणके संसार में प्रत्यक्ष होते हैं. Those beads are revealed in the world. नंबर वार मणके अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं. The number wise beads are being revealed now. लेकिन हमारा ज्ञान है गुप्त. But our knowledge is secret. गुप्त ज्ञान को लेने वाले वो बच्चे. Those children who learn this secret knowledge. जो गुप्त पाठधारी है, गुप्त पुरुषार्थी है. हु आर सीक्रेट एक्टर्स, हु आर द मेकर्स ऑफ पुरुषार्थ सीक्रेटली. उनको संसार नहीं पहचानता है. दे आर नॉट रिकॉग्नाइज इन द वर्ल्ड. पहले ब्राह्मण बच्चे पहचानते. दे आर रिकॉग्नाइज फर्स्ट बाय द ब्राह्मण चिल्ड्रन. ब्राह्मण बच्चों में भी जो श्रेष्ठ पाठधारी है वो पहले पहचानते. Even amongst the Brahmin children, those playing the best roles recognize them first. 33 करोड़ देवताओं में तीन देवताएं सर्वोपरि. Among the 330 million, that is 33 crore deities, three deities are the highest. ब्रह्मा, विष्णु और शंकर. ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर. ये तीन मूर्तियां पहले प्रत्यक्ष होती. These three personalities are revealed first. जिनके लिए बोला जाता है झंडा ऊंचा रहे हमारा. फॉर देम इट इज सेड लेट अवर फ्लैग रिमेन हाई. माने इन तीन मूर्तियों को संसार में बुलंद करना है. इट इम्प्लाइज दैट दीज थ्री पर्सनैलिटीज हैव टू बी रेज्ड इन द वर्ल्ड. कपड़े के झंडे को बुलंद करने की बात नहीं.
दिस इज नॉट अबाउट रेजिंग द फ्लैग मेड ऑफ क्लॉथ. वो तो अपने अपने घर में चाहे जितने झंडे फहरा दो. यू मे होस्ट एज मेनी ऑफ दोज फ्लैग्स एज यू वॉन्ट एट योर ओन हाउसेस. तीन शरीर रूपी वस्त्रों को जो संसार में विश्व विजय प्राप्त करते हैं उनको संसार में प्रत्यक्ष करना ये झंडा मुक्त करना. टू रिवील टू द वर्ल्ड द थ्री क्लॉथ लाइक बॉडीज ऑफ द थ्री डीटीज हु ट्रायम्फ ओवर द वर्ल्ड दिस इज रेजिंग द फ्लैग.